देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में, और एस्ट्रो तक की इस खास सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कलर्स के बारे में, यानी कि रंगों के बारे में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा, और लगातार इस सीरीज़ में आपको बता रही हूँ कि अलग अलग रंग किस तरह से आपकी ऑरा को प्रभावित करते हैं, अलग अलग रंग किस तरह से आपके जीवन में फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो बात होगी आज वॉयलेट कलर की, क्योंकि रंगों का प्रभाव जो है वो अलग अलग तरह से आपके जीवन पर पड़ता है। हर रंग का एक मतलब होता है और हर रंग का जुड़ाव एक चक्र के साथ होता है। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं वॉयलेट कलर के बारे में, यानी कि वॉयलेट कलर जो है आप देखेंगे कि विबग्योर स्पेक्ट्रम में सबसे पहला जो रंग माना जाता है वो वॉयलेट कलर ही माना जाता है। लेकिन अगर आप चक्र बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो आप रेड कलर से शुरुआत करते हैं, यानी कि इस विबग्योर स्पेक्ट्रम में जो सबसे पहला चक्र जागृत किया जाता है वो लाल रंग से उसका जुड़ाव होता है, जिसके बारे में हमने बात करी भी थी। और जो इसमें अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वॉयलेट कलर सबसे आखिरी नंबर पर आता है, जिसका जो जुड़ाव है वो होता है आपके क्राउन चक्र से, यानी कि आपके सहस्त्रार चक्र के साथ। सहस्त्रार चक्र इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब बात करते हैं कुंडलिनी जागरण की, तो कुंडलिनी जागरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि आप एक एक करके सारे चक्रों को जागृत करते हैं, और इस क्रिया को करने के लिए आपको एक एक्सपर्ट के गाइडेंस की ज़रूरत है। बिना किसी की गाइडेंस के आपको इन चक्र को जागृत नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ, या आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये एक बहुत नेचुरल तरीके हैं, बिकॉज चक्रास आर नथिंग बट द एनर्जी सेंटर्स। आपका जो क्राउन चक्र होता है वो आपके ब्रेन का अपर वाला जो पार्ट होता है, जिसको सेरेब्रम कहा जाता है, उसको प्रभावित करता है। सेरेब्रम की बात करी जाए तो जिन लोगों को नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरह से आप देखेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ है, डिप्रेशन लोगों को रहता है, पार्किंसंस डिजीज़ है, या स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं, ऐसे लोग, या फिर ऐसे बच्चे जिनको ADHD डिसऑर्डर होता है, ऐसे बच्चों को कई बार आप देखेंगे कि CNS जो होता है उनका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, वो कई बार बहुत स्लो होता है, कई बार बहुत फास्ट होता है, जो कि जिसका जुड़ाव जो क्राउन चक्र है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं उससे होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि चक्र जो हैं वो एक तरह के एनर्जी सेंटर्स है, अगर पूरी तरह से बैलेंस नहीं है तो आप देखेंगे कि इसके होने से, इसके बैलेंस ना होने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो आज का जो टॉपिक ये है कि वॉयलेट कलर के इन्हांसमेंट से किस तरह से आप अपने क्राउन चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर एक्टिवेट किया जा सकता है। कई सारी चीज़ें होती हैं, आप योग का सहारा ले सकते हैं, आप रंगों का सहारा ले सकते हैं, आप इसमें अरोमा थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कलर की, तो कलर इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो होता है वॉयलेट कलर। आप एक वॉयलेट कलर की बॉटल में पानी भर के थोड़ा सा गंगा जल उसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, और उसके बाद उस पानी से आप नहा सकते हैं, उस पानी को आप बेदिंग में यूज़ कर सकते हैं। इससे भी देखेंगे आपका जो क्राउन चक्र है वो एक्टिवेट होता है। और सबसे पहले जब आप बेदिंग में उसे यूज़ करेंगे पानी को, तो कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले आप पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो आप अपने यहाँ पर सबसे ऊपर की जगह पर, जो जहाँ पे क्राउन चक्र होता है वहाँ पर आपको डालनी है। इससे जुड़े हुए जो ऑयल्स होते हैं उसकी बात करी जाए तो आपको लैवेंडर एसेंस, अगर ऑयल्स की मैं बात करती हूँ तो हमेशा कहती हूँ कि आप या तो हीलिंग टच के ज़रिए, या तो आप टच वाला जो सेंस ऑर्गन है या तो उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो अरोमा थेरेपी होती है, यानी कि ऑयल्स को एक फ्रेगनेंस की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैस्मिन ऑयल और लैवेंडर ऑयल या लैवेंडर फ्रेगनेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करी जाए अगर योग आसनास की, तो आप इस चक्र को जागृत करने के लिए, क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षासन आप कर सकते हैं, लेकिन शीर्षासन परफॉर्म करने के लिए अगेन आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। या फिर त्रिकोण आसन, यानी कि ट्री पोज, विच इज़ अ वेरी इजी पोज, त्रिकोण आसन आप अपने आप से भी घर में कर सकते हैं, त्रिकोण आसन करके भी आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। या फिर शव आसन या फिर पद्मासन में बैठ करके भी, आप अगर मंत्रों की बात करें जाए तो ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए भी आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए हमेशा मॉर्निंग का टाइम इस्तेमाल करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं उस समय पर आप
ओम मंत्र का उच्चारण करा जाए अगर वॉयलेट कलर के आसन पर बैठ करके या फिर वॉयलेट कलर के कपड़े धारण करके, तो आप देखेंगे ये चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर योग की, हमने बात करी कलर्स की, हमने बात करी अरोमा थेरेपी की, लैवेंडर एसेंस की, लेकिन एक और चीज़ होती है क्रिस्टल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और क्रिस्टल्स पहनने से, क्रिस्टल्स धारण करने से भी कई बार चक्र जो होते हैं वो जागृत होते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मूनस्टोन क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है इस चक्र को जागृत करने के लिए, और साथ ही साथ में आप देखेंगे पर्पल फ्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ नेचुरल वेज हैं, नेचुरल तरीके हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्राउन चक्र को जागृत करने के लिए या फिर वॉयलेट कलर के इन्हांसमेंट के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन करें, ऐसी चीज़ें खाएं जो कि वॉयलेट कलर की, वॉयलेट कलर का आहार जो है, यानी कि पर्पल कलर, यानी कि आप ब्रिंजल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंजल अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप इनटेक करें, उससे भी क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होता है। तो कहीं ना कहीं पे ये नेचुरल तरीके हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर एक और कलर के साथ आपके सामने हाजिर होंगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। एक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप